सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। इस एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा व्लॉगिंग डेली डेली व्लॉगिंग मेरा छुड़ाना चाह रहा है एग्ज़ाम, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैथ साला छोड़ेगा ही नहीं। तो अभी जस्ट मैं सो के उठा, यहाँ से अपना एग्ज़ाम वगैरह दे के भी उठा। तो अभी चलो फिर मैं जा रहा हूँ चेक ये अपना ये करने के लिए, चेंज करने के लिए। ऐसे तो नहीं जाऊँगा स्लीवलेस पहन के। मेरे को थोड़ा सा एक्वेरियम देखना है घर के लिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली तो पाल नहीं सकते। कुत्ता लाया था, परेशान हो गया, तो कुत्ता बिल्ली पालूंगा नहीं मैं। तो मछली आएंगे, मछली एक्वेरियम सामने रखना है शो के लिए। तो चलो जा रहा हूँ देखने मार्केट में क्या रेट पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है। चलते हैं एक्वेरियम देखने, और डंबल भी लाना है। तो चलो मार्केट में चलते, पंकज को भी कुछ कुछ मिला तो फिर चलते। चलो फिर बाहर मिलता है डायरेक्ट। अभी मैं पहुँच तो गया मोहंती भाई चौक पे, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कि पेट शॉप था कहाँ। इधर ही कहीं आए थे हम लोग लास्ट टाइम, और उल्टे साइड पे था। तो उल्टे साइड पे देखना पड़ेगा, खोज लेता हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। अभी ना व्लॉग बनाया था ना उसके साथ मैं आया था ना, तो इसलिए याद नहीं आ रहा है कहाँ खुला शॉप इसने। पेट शॉप तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन ये बंद है। अबे यार, अब मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से एकदम सीधा नेहरू नगर पूरा। नेहरू नगर का तो रेट फिर मालूम ही है सबको। इधर आके हो गया टाइम पास। जब काम था तभी इसकी दुकान बंद है, और जब तक काम नहीं रहता तब तक इसकी दुकान खुले रहती है। तो जा रहा हूँ अब नेहरू नगर, देखते हैं कि नेहरू नगर में क्या प्राइस है। वैसे तो वहाँ महंगा ही मिलता, लेकिन ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, अभी मैं यहाँ आया था डंबल लेने, जो कि नहीं मिला। तो अभी जा रहा हूँ पेट शॉप। क्या जीप है, मतलब पाजी पुल स्टेशन में चल रहा है ओपन जीप लेकर। तो अभी यहाँ से पेट शॉप चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। यार कोई नहीं दिख रहा, पूरा बंद है दुकान उकान। ऐसा लग रहा नेशनल हॉलीडे है, जिस दिन काम है उसी दिन ऐसे सब नाटक है। अबे यार, अजीत की ये दुकान भी बंद है। अब इसके दुकान ही नहीं आऊँगा भाई मैं। इधर पे भी है और लाइन से उधर भी है, इधर पे भी है। अब आऊँगा ही नहीं इसके दुकान में, किसी और के यहाँ 100-200 ज़्यादा दे दूँगा, इसके यहाँ नहीं आऊँगा। बस ये देखो, एक गोल्डन रिट्रीवर, इसको देखो। गोल्डन रिट्रीवर मेल है 20,000 का, और फीमेल है 18,000 का। बोन क्वालिटी मस्त है। और लेब्रेडर, लेब्रे का क्या, लेब्रे का क्या है भैया? लेब्रेडर 12 मेल, बताओ भाई 17,000-18,000, 10,000-20,000 ऐसे बोल रहा था वो दुकान वाला। 20,000 सिर्फ, ऐसे 20,000 रुपये सड़क पे पड़ा हुआ है, मैं उठा के उसको दे दूँ। अब 15,000-20,000-18,000 ऐसे ये सब खर्चा, इतना रुपये खर्चा करके मैं एक लुक्स वाला डॉगी लूँ जो कि सिर्फ दिखने में अच्छा है, जिसका इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर होता है। इससे अच्छा तो मैं वो ना ले लूँ जर्मन शेफर्ड, कम से कम वो ये ब्रीड वालों कुत्तों में ना वही अच्छा है। लेकिन फ्री में मिलेगा तो ही लूँगा, क्योंकि कुत्ता ख़रीदने के लिए ना अगर पैसा देना पड़े ना तो फिर ये तो चूतिया आप है। फिर अपने माथे में कोई टैटू करवाना पड़ेगा चूतिया का, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो कुत्ता पालने का नहीं सोच रहा हूँ वैसे तो, लेकिन जो भी खरीदने खरीदने जा रहा हो उसको मैं ये बोलूँगा, उतना पैसे का उससे अच्छा ना दो ठोक छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से सड़क से आप उठा लो, जो भी देसी डॉगी है, और उनको उठा के ना 18,000-20,000 में आप साल भर आराम से उनको डेली चिकन खिला सकते हो एकदम आराम से। और उनको भी मतलब दो कुत्तों का लाइफ बदल जाएगा आप लोग के छोटे से एफर्ट से। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सब पैसा दे के ना ये दुकानदारों से खरीदने वाला काम ख़त्म कर दे। हाँ, वो पता लगे कि अगर जैसे कोई किसी के पास जगह नहीं है तो वो अपना डॉगी को, मतलब जैसे उसके डॉगी ने बच्चा दे दिया और उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो वो अगर बोल रहा हो कि ये लो आप बच्चा ले लो और अच्छे से इसको इसका टेक केयर करना, फिर वो बात अलग है, तब ठीक है। तब भी तो फ्री में ही देगा, मिल जाएगा ज़्यादा था 500,000 रुपये, क्योंकि भाई बच्चा तो उसने नहीं लिया है ना, बच्चा तो डॉगी का है, लेकिन डॉगी का पालन
है, इससे अच्छा सड़क छाप लो, और या तो अगर कोई नीडी है तो भले ही, किसी का डॉग अगर कोई दे रहा है फ्री में तब भले ही ले सकते हो। दुकानदार, ये दुकानदार तो भाई ऐसे ही तल्ले होते हैं, इनसे लेना ही नहीं चाहिए। अब ये तो मिलने से रह गया, और डंबल, डंबल मिला नहीं, और डंबल के बाद ना वो जो वो होता है ना जो अखाड़ा में यूज़ करते हैं लकड़ी वाला, बजरी है इसका मैं पाला था चार, नीला सफेद और एक पीला और एक हरा, भाई बजरी बोलते हैं इसका नाम, बजरी है, छोला बड़ा बजीज बोलते हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको बजरी बोलते हैं। एक्वेरियम भैया, एक्वेरियम कितने कितने का है, मीडियम साइज एक्वेरियम, एक्वेरियम बेचते हैं कि सिर्फ मछली का ही है आपका? अच्छा, मीडियम साइज चाहिए था, मीडियम मीडियम, एक फीट डेढ़ फीट क्या इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक दो फीट का, दो फीट नहीं डेढ़ फीट, डेढ़ फीट का, हाँ डेढ़ फीट अगर ऊपर है तो 1200 का, 1200 का एक्वेरियम। और उसमें क्या क्या रहेगा, आप क्या देंगे अपनी तरफ से? मेरे तरफ से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सीख आपको फिश मिला है 200 का, मेरे तरफ से 200 का फिश, वहीं पूछ रहा था कौन सा वाला, 200 कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, ओके से स्टार्ट होता फिश है क्या रेडीमेड डेढ़, तो गाइस ये देखो, ये है एलिगेटर फिश, हाथ अंदर जाएगा तो बाहर आएगा कि नहीं मालूम, बोल रहे हैं भैया दिखाते क्या कि दूसरी मछली इधर से निकाल के इसमें डाल देते होंगे। ये है सिल्वर शार्क, बहुत सुंदर लगती है मछली, ये तो गोल्ड फिश, ब्लैक वाली गोल्डन फिश है ये मछली, मत लेना सबसे बेकार होती है, मर जाती है तुरंत, घर ले जाती साथ मर जाती है, क्यों? अरे बहुत कमजोर मछली, हरियाली बहुत मस्त होती है, टाइगर, इसको टाइगर, इसको टाइगर रहती है ना, बड़े बड़े आँख, बड़े बड़े आँख वाली। गाइस अपना सुपेला बंद था लेकिन ये दुकान खुली थी, एक डंबल पड़ा है, अभी बारबल खोज रहे हैं यहाँ, हाँ ये वाला क्या है इसका रेट, 450 प्लेट यही वाली लग जाएगी ना। अच्छा तो इसके साथ कुछ दोगे, वो जो अपना साइड में लगाने वाला होता है, तो गाइस आ गया है अपना सामान वामान, मैं पार्टी में गया था थोड़ा, पार्टी से भी आ गया, और भाई भिलाई में इतना धूल है ना, इतना धूल है ना भाई, अब रहने का मन नहीं कर रहा भिलाई में, मन कर रहा छोड़ के भाग जाऊं, इतना धूल भाई, कौन से उधर रहता है भाई इतना धूल। तो गाइस और क्या बोल रहा था मैं कि क्या बोलते हैं अपना, जैसे कि मैं सामान जैसे खरीद खरीद के ला रहा हूँ ना, वैसे ही मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्या है आप जिम में जाओगे 500 भी नहीं है, अब तो 500 तो एडमिशन फीस है, 800-900 रुपए ऐसे आप लोग हर महीना दोगे, 800-900-1200 ऐसे ऐसे, तो वो देने से अच्छा ना भाई एक ही बार 2000 रुपए लेके जाओ, और ना वहाँ जाके आराम से एक तो पूरा, मतलब वो पूरा लेके आ जाओ सामान, स्ट्रेट रॉड ला लो, और कर्ल वो जिगजैग रॉड ला लो, वेट्स ला लो, क्योंकि इस इतने चीज से पूरा बॉडी वर्कआउट हो सकता है आपका आराम से, होम वर्कआउट, और धीरे धीरे करके ना थोड़ा थोड़ा करके और जुटा के आप लोग को अपने घर पे बना लो भाई, अच्छा है अपने घर पे बना लो, छत पे जिम बना लो, दोस्तों को बुला लो, और सब लोग से 200 रुपए ले लो, अपना जो जो सामान खरीदे हम लोग हैं इन्वेस्टमेंट, वो उसका पैसा भी निकल जाएगा आराम से 6 महीने के अंदर, रूफ टॉप जिम नाम कर दो, और उसका बढ़िया छत पे खोल के, एक नंबर रहेगा दोस्तों के साथ साथ,
अपना ये भी हो जाएगा, और 200 रुपये रहेगा अपना मंथली फीस, नो एडमिशन। तो गाइस अभी मैं तो KGF डाउनलोड किया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ KGF देखने अपने इस पे PC पे, तो मैं जाता हूँ KGF देखने। आप लोग को यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।